हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी नॉम दिस इज कविता एंड इन दिस वीडियो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था और उसमें मैं बात करूंगी आपके साथ ग्रामर पोर्शन के ठीक है ना अब अगर पेपर को आपने देखा होगा तो आपने भी एनालाइज किया होगा एक चीज की जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना वो सिर्फ जो गिवन टॉपिक्स दिए हुए हैं ना सिलेबस में स्पेसिफाइड टॉपिक्स उनसे नहीं आए हुए हैं अगर सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है आर्टिकल्स वर्ब टेंसिस है ना और कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स दे रखे हुए हैं, देन आर्टिकल्स दिया हुआ है, और ईडियम phrases एंड देन लिखा वोकेबलरी लेकिन ऐसा नहीं है जब पेपर को आप एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन वहाँ पर आपको नाउन से भी देखने को मिलेंगे ठीक है आपको क्वेश्चन नाउन का भी है पेपर में आपको प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछा गया है देन वर्ब्स भी है टेंसिल्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर्टिकल टॉपिक भी गिवन है नरेशन टॉपिक भी गिवन है जो कि सिलेबस मेंशन किया ही नहीं है आपको इसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको देन क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इसके अलावा आपको वकैब में आपको ईडियम फ्रेजेस देखने को मिलेगा और साथ में आपको एंटोनियम सिनोनियम तो so, इन शॉर्ट पूरा का पूरा ग्रामर भी करना है और वोकेबलरी भी करना है आपको ठीक है ना आपके पास अभी भी दो मंथ्स हैं इस पेपर को होने के लिए तो इन टू मंथ्स में हम क्या करेंगे पूरा का पूरा इंग्लिश कवर कर सकते हैं ठीक है ना बाकी आपको हमारी जो ऐप है अपनी प्ले है उस पर जाके पूरा का पूरा इंग्लिश का कोर्स भी आपको ईजिली मिल जाएगा ठीक है ना नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने फिलहाल लिया है टेक्स टेस्ट बुकलेट का कोड सील लिया हुआ है उस टाइम पेपर ओ बेस्ड था और अब जो हमारा पेपर होगा वो होगा हमारा क्या ऑनलाइन मोड लेकिन पैटर्न तो हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला, ना? So, करते हैं क्वेश्चन को, तो को मिलता है यहाँ पर ना, हमें मिलता है वो ईडियम का लिखा हुआ विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इडियम यूज इन सेंटेंस कौन सा ईडियम फॉर्म सही है आपके सामने चार ऑप्शन है पहली चीज बता देती हूँ मैं आपको कि आपको हर क्वेश्चन में लगानी है एलिमिनेशन टेक्निक आप फंडा रख लो याद एलिमिनेशन से हम को सॉल्व करेंगे ठीक ठीक है 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 ना ना लिखा He don't know the of mathematics. हिंदी मतलब क्या है? कि उसको ABCs नहीं पता मैथ्स की अब आप देखो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ एक में लिखा ही डजेंट नो और एक में ही डू नो सबसे पहले लगाओ एलिमिनेशन तो क्या ही डू नो सेंस बनता है नहीं ना तो कट जाएगा ठीक है ना अपने लिए इजी करो पेपर को ठीक है सेकंड है ही डोंट नो अब देखो मैंने पहले भी कहा हमने टॉपिक पर रखा है प्रोनाउंस का ना हमने कहा था ही है तो हम क्या लगा लेते नॉर्मली एसोरियस लगा लेते हैं ना और नॉर्मली हम अगर एसोरियस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हम डज लगा सकते हैं हम डोंट तो, डू तो लगाएंगे नहीं ना तो कहीं ना कहीं हम डोंट नहीं लगाएंगे तो देख लो ही डोंट नो वाला कहाँ पर है पहला वाला गलत हो गया हमारा ये भी नहीं लगेगा सेकंड का ही डजेंट नोज अब देखो ही है तो यहाँ पे वर्ब एस कैसे लगेगा ये भी नहीं लगेगा ना हमारा तो बचा कौन सा हमारा सी वाला तो सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है क्या आंसर होगा इसका ही डजेंट नो द ए बी ऑफ मैथमेटिक्स उसको मैथमेटिक्स की ए बी सी ही नहीं आती है ठीक है ना नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एब्सट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी आपको बोला है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म देना है सी का आपको नाउन फॉर्म बोल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना नाउन फॉर्म बोला इस सी का देखो यहाँ लिखा है सीन सीन वर्ब फॉर्म है ये सो नो ये तो वर्ब है ना हमारा और किस तरह का ये सीन हमारा इसको आप बोलते हो पास पार्टिसिपल देखो ये पास पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ना मैंने आपको ऐप आप में करवा रखा है अच्छे से ठीक है ना और एक लिखा है सीन ये हो गया आई एन जी फॉर्म ये भी वर्ब है कहीं ना कहीं ना इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आप जानते हो जिरण के नाम से भी तो ये भी तो नहीं आएगा ये वर्ब फॉर्म है और यहाँ सौ लिखा है सी का सेकेंड फॉर्म क्या है सौ होता है वर्ब फॉर्म पास पास फॉर्म लाइक आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट है ना तो ये भी नहीं होगा तो बचा कौन सा साइट साइट क्या होता है साइट बेसिकली देखना नाउन फॉर्म है ये है ना इसको आप बोल सकते हो नाउन फॉर्म और इसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू सी किसी को देखना की क्षमता एबिलिटी होना आपको देखने की है ना तो ये नाउन है और आपको पूछा भी नाउन ही है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है ना तो यहाँ पर जो होगा आपका ए पार्ट हो जाएगा आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली आपको बोला इनमें से चार ऑप्शन में से किसका मतलब निकल के आता है अंडरस्टैंड करना कंप्लीटली फुली तो देखो प्रिटेंड का मतलब क्या होता है बनना है ना कि आप प्रिटेंड कर रहे हो बट आप ऐसे नहीं हो तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे डिस्कस मतलब ग्रुप में बैठे हो डिस्कस कर रहे हो किसी बात को तो ये भी नहीं होगा कंपटीशन रहता है अप्रीहेंड पे और कॉम्प्रीहेंड पे देखो अब दोनों के मतलब क्या है कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लीट से निकल के आ रहा है कंप्लीट वर्ड निकल के आ रहा है तो मतलब किसी चीज़ को आप जब प्रॉपरली समझते हो ना अंडरस्टैंड करते हो उसको आप बोलते हो क्या कॉम्प्रीहेंड करना कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना किसी चीज को लेकिन अप्रीहेंड मतलब उसका उल्टा कर लो आप समझ इसको भी रहे हो लेकिन आप सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऊपर ही ऊपर बाहरी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर नॉलेज नहीं उस चीज का आपको और यहाँ पर क्या बोला हुआ है आपको अंडरस्टैंड करना फुली अच्छे से समझना तो मतलब क्या आएगा कॉम्प्रीहेंड करना आएगा तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया हमने एलिमिनेशन कि, को ही फॉलो किया यहाँ पर ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड देन लगाया हुआ है फुल स्टॉप फिर आगे ब्लैंक दिया है क्वेश्चन मार्क अब दिया है ना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे तो मतलब ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना क्वेश्चन टैग का है ठीक है ना देखो सिलेबस में टॉपिक कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन आया

एडवर्ब ऑफ ब्रेव आपको बोला है सॉरी uh, सॉरी आपको बोला है ब्रेव का adverb बनाना ठीक है ना क्या बोला है आपको ब्रेव का एडवर्ब बनाने को बोला है आपको ठीक है यहाँ पे अगर ध्यान दो आप एक होता है एडवर्ब एक होता है एडजेक्टिव ठीक है ना पहली चीज ध्यान देनी है आपने क्या कि जब भी आप एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लगाते हो ना तो हमेशा बनता है एडवर्ब जैसे मैं कहती हूँ स्लो क्या साथ में लगाया एलवाई बन गया स्लोली यहाँ वर्ड दिया हुआ है ब्रेव लगा लो एलवाई तो क्या बनेगा ब्रेवली तो कहीं कही ना कहीं आंसर हमारे सामने आ गया कि यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो डी पार्ट होगा क्या होगा ब्रेवली लेकिन समझो कॉन्सेप्ट को इसके पीछे का ठीक है ना नॉर्मली क्या होता है मैं कहती हूँ नॉर्मली अ ब्रेव सोल्जर अ ब्रेव सोल्जर मतलब बहादुर सोल्जर सोल्जर क्या नाउन है और नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं यहाँ पे जो ब्रेव है वो मेरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है ना ये मेरा एडवर्ब नहीं है वही मैं लिखती हूँ ही एक्टेड ब्रेवली उसने ब्रेवली बहादुर से एक्ट किया तो ये ही सब्जेक्ट है ये एक्टेड क्या है ये वर्ब है वर्ब को ही मॉडिफाई करता है कौन वर्ब को बताने का हम यूज करते हैं ना एडवर्ब को एडजेक्टिव को तो यहाँ पे जो एलवाई है ना ये यहाँ पे हमारा एडवर्ब है ना कि एडजेक्टिव है आया समझ इसलिए यहाँ पे एलवाई लगा है नॉर्मली ठीक है ना और दूसरी चीज का एक और चीज का ध्यान रखना आप लोग हमेशा ये तो हो गया ना एडजेक्टिव का केस हो गया ये अब आपको अगर नाउन में एलवाई लगा होगा ना तो आपका बनता है एडजेक्टिव पेपर में हमेशा एडवर्ब का नहीं पूछेंगे ना कभी कभार आपको एडजेक्टिव पूछ लेंगे मान लो मैन है मैन खुद में नाउन है ना लग गया एल वाई तो ये मैनली अब बच्चों को लगेगा गए मैनली हमारा एडवर्ब है एडवर्ब नहीं अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है ना तो इस तरह से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आपको सिर्फ ब्रेवली वर्ड नहीं पूछ सकते वहां पर आपको वहाँ पे करेजसली वर्ड लिखा हो सकता है ठीक है ना आपके सामने वहाँ बोल्डली वर्ड लिखा होगा ठीक है ना Daringly word वर्ड लिखा होगा तो आपको ध्यान रखना है या कावर्ड वर्ड से बना होगा कावर्ड नाउन है तो लगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा ठीक है ना आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा पीछे का इसके ठीक है ना तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका ब्रेवरी रहेगा ठीक है adverb ब्रेवरी तो होता ही नहीं है ब्रावो आप हो गया ये आपका exclamatory हो गया हम ब्रावो करते हैं यूज है ना किसी को तारीफ करने के लिए ब्रावो तुमने अच्छा खेला मैच तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्टी सेवन है बोला द मीनिंग ऑफ मेक आउट आपको बोला इस फ्रेज अब देखो फ्रेज से क्वेश्चन भी आ गया तो टॉपिक क्या है यहाँ पे ये यह आपका फ्रेज टॉपिक का क्वेश्चन है और बोला है कि इसका मतलब रीड मतलब पढ़ना किसी चीज़ को बिल्ड किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना रिकॉग्नाइज मतलब किसी चीज़ को पहचानना तो यहाँ बोला है टू द मीनिंग ऑफ मेक आउट चीज़ को बनाना अंडरस्टैंड करना इज द मेक आउट ठीक है ना ये फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है क्या मेक आउट अंडरस्टैंड ठीक है यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन आपका टू अंडरस्टैंड आई होप क्लियर हो गया होगा फिफ्टी सेवन क्वेश्चन आपको नाउ फिफ्टी एट क्वेश्चन फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड देखो रॉन्गली स्पेल से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको कि जो इनमें से गलत है करे जिसका स्पेलिंग देखो सही लिखा हुआ है ठीक है विशियस भी सही लिखा हुआ है स्टाफ भी सही है तो यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट का स्पेलिंग है ना, वो गलत है एम ए जी होता है एम ए जे नहीं होता ठीक है ना तो यहाँ पे जो हो आपका C option होगा आपका सी ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको आया हुआ है नरेशन टॉपिक से किससे आया हुआ है अब ये नरेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन क्या बोला है रवि सेड रवि ने कहा क्या कहा जी रवि ने कॉमा डबल कॉमा आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ मैंने क्या कहा एलिमिनेशन को फॉलो करो हर में साइड दिखेगा दैट दिखेगा कोई बड़ी बात नहीं अब बाकी पार्ट को देखो नेक्स्ट वीक हम यूज़ करते हैं फॉलोइंग वीक हर जगह फॉलोइंग वीक है द फॉलोइंग वीक द फॉलोइंग विक द फॉलोइंग इसमें नहीं है तो पहले डी को काट दो आप लोग अब हमें डी को देखना ही नहीं है अब देखो आई एम गोइंग बैक है ना तो चेंज करो फॉर्म्स को आई एम के लिए क्या हो जाएगा ही वॉज हो जाएगा ही वॉज गोइंग बैक के लिए आपको हर ऑप्शन में देख रिटर्निंग दिख रहा है यहाँ देखो ही विल बी विल्द हो गया हमारा फ्यूचर के लिए और यहाँ पे फ्यूचर की बात ही नहीं है ना तो ये गलत हो गया हमारा He is भी नहीं होगा यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा ही वॉज होगा तो आपका जो फिफ्टी नाइन का है वो ए पार्ट हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है आपका क्वेश्चन बोला हुआ है वट इज द एंटोनियम ऑफ प्रोड्यूसर एक वर्ड दे रखा है प्रोड्यूसर आपको बोला एंटोनियम एंटोनियम मतलब उसका उल्टा मीनिंग देना है आपको ठीक है ना एंटोनियम का मतलब क्या होता है उल्टा मीनिंग देना है आपको यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हुए एनसेस्टर सक्सेसर प्री सक्सेसर और डेसडेंट देखो प्रीडिसर का एनसेस्टर मतलब पहले का चीज़ हो गया सक्सेसर जो हमारे पहले हो गया हमारे पुराने लोग जो आए थे प्री सक्सेसर भी क्या हुआ हमसे पहले आने वाले और डेसीडेंट क्या हो गया जो हमसे पहले देखो सक्सेसर मतलब जो हमें फॉलो करेंगे सॉरी जो हमें फॉलो करने वाले हैं ठीक है ना अप करने वाले डेसिडेंट जो हमसे पहले आ चुके हुए तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा बचा वो भी बचा ना क्योंकि ये जो एनसिस्टर है 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 इनका सेम मीनिंग निकल के आ रहा है तरह की तरह प्रोड्यूसर की ठीक है ना और यहाँ पे हम बोला उसका उल्टा देने के लिए तो उल्टा क्या होगा यहाँ पे सक्सेसर होना चाहिए ठीक है ना का का क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा नेक्स्ट बोला है सिक्सटी वन क्वेश्चन बोला आपको अ डैश ऑफ बोर्ड चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन देखो नाउन से क्वेश्चन आया हुआ है कलेक्टिव नाउन से कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप में हम जब बात करते हैं किस चीजों की ठीक है ना अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुए आपको फाइट फ्लाइट पैक एंड फ्लीट देखो फाइट मतलब लड़ना ये तो हमारा है ही नहीं ऑप्शन फाइट का मतलब तो यहाँ ये, ना, ये नाउन से निकल के नहीं आ रहा है अब यहाँ देखो फ्लाइट है और ये देखो फ्लीट पहले फ्लीट को देखते हैं हम लोग फ्लीट का मतलब होता है समुद्री जहाज कोई भी समुद्र में जो चीज चल रही है दैट इज समुद्री जहाज बोल लो आप ग्रुप ऑफ शिप व्हीकल कोई भी है उसको हम बोलते हैं फ्लीट ग्रुप ऑफ लिख लो उसको याद हो तो आप ग्रुप ऑफ शिप बोल लो या कोई भी व्हीकल बोलो ठीक है ना पैक पैक इज ग्रुप ऑफ मैमल्स मैमल्स के झुंड को हम क्या बोलते हैं पैक एग्ज़ाम में अगली बार पैक भी पूछ सकते हैं आपसे वहीं अगर लिखा होता है ना फ्लॉक एफ एल ओ सी के फ्लॉक नॉर्मली क्या होता है फ्लॉक होता है आपका ग्रुप ऑफ बर्ड्स अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं हम लोग ठीक है ना लेकिन यहाँ फ्लॉक ऑप्शन ही दे रखा है लेकिन फ्लाइट uh, का मतलब क्या निकल के आता है कहीं ना कहीं फ्लाइट का मतलब भी क्या होता है एक्ट ऑफ फ्लाइंग ही होता है ना देखो पैक तो हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि पैक बोलते हैं मैमल्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं शिप के लिए हम जब यूज करते हैं फ्लाइट तो है ही नहीं तो यहाँ पे फ्लाइट ही बन के आ रहा है अगर फ्लाइट नहीं होता ना यहाँ पे तो यहाँ पे आपको फ्लॉक ऑप्शन में दिया होता ठीक है ना आपको याद रखना है वहीं आपको अगर ये ना दिया हो आपको लिखा हो पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट जो टर्म है ये आउल के ग्रुप के लिए होगी ठीक है ना एग्जाम में ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है मर्डर मर्डर हम हमेशा क्राउ से लिंक करते हैं ठीक है ना क्राउस की ग्रुप को बोलते हैं तो ये सारे आपको कलेक्टिव नाउन थोड़े बहुत देखने हैं एग्जाम में जाने से पहले ठीक तो है, है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी वाला हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऑफिसर डैश फाइव मिनट्स एगो ऑफिसर गया पांच मिनट पहले अभी गया ना पांच मिनट पहले एगो तो यहाँ पे बोला इज गॉन इज गॉन तो नहीं होगा हैड गॉन पास्ट में हो गया हैज गॉन प्रेजेंट में हो गया ये भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा वेंट जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्यों गो का क्या है past होता है ठीक है तो यहां पे क्या होगा वेंट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीनोनियम ऑफ कॉम्प्लसेंट सिनोनियम का मतलब क्या होता है सिमिलर वर्ड आपको बताना है किसका कॉम्प्लसेंट का ठीक है ना अट्रैक्टिव क्या होता है खूबसूरत दिखने वाला अट्रैक्ट कर रहा है जो आपको सेल्फिश लालची हो गया कर्टियस जो ईमानदार है अपने किसी भी काम को लेके है ना करती है उसमें अच्छी क्वालिटी है ये वाली अब यहाँ पे एक बच्चा सेल्फ सेटिस्फाइड खुद से सेटिस्फाइड होने वाले को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्रसेंट बोलते हैं इसकी जगह आपको वर्ड सेटिस्फाइड भी दे, दे सकते हैं ठीक है ना इसकी जगह आपके सामने वर्ड आ सकता है स्मग वर्ड भी आ सकता है इसके लिए आपके सामने ठीक है ना या सिक्योर वर्ड बोल दो आप कंटेंट बोल दो कि मैं खुद से कंटेंट हूँ ये सारे इसी के सिमिलर वर्ड हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल गया यहां Next question है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ वर्ट यू वर से ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब आपको बोला है कि डैश दिया हुआ है जो भी तुम कह रहे हो वो इस काम के लिए बेस्ट है तो देखो यहाँ पे इंस्पायर्ड अकेला नहीं होता इंस्पायर्ड हमेशा इंस्टेट के साथ जैसे ऑफ आता है ना तो इंस्पायर्ड ऑफ आता है हमेशा तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे हमारे इन रिस्पॉन्स किस चीज़ को आप रिस्पॉन्स कर रहे हो तो उसके लिए आप इन रिस्पॉन्स लगाते हो लेकिन यहाँ पे रिगार्ड के साथ किसी के विद रिगार्ड टू है ना कि जो तुम कह रहे हो तो यहाँ पे जो होगा अप्रोप्स होगा ठीक है ना अप्रोप्स इज द राइट ऑप्शन सी कर लो मार्क यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु अ लीगल एक्शन अगेंस्ट सामबर्डी इन द कोर्ट देखो अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना आगे वाले क्वेश्चन जो हैं ये कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है लेकिन इंग्लिश की फॉर्म में है तो इनको हम एक बार देख लेते हैं बोला एक पर्सन जो स्टार्ट करता है लीगल एक्शन लेना किसी और के लिए उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव बोलते हैं ठीक है ना जिसने कोई अपना मुकदमा दर्ज किया उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव जिसके खिलाफ क्या उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट खिलाफ जिसके क्या जो मतलब गुनहगार मान लो आप है एडवोकेट हुआ जो हमारा वकील लड़ेगा हमारे लिए ठीक है ना तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है सी है आपका ठीक है ये कोर्ट के कोर्ट की टर्म्स हैं ठीक है ना कोर्ट टर्मनोलॉजी में ये आपको अलग से हमारे ऐप पे मिल जाएंगे लेक्चर्स के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम दैट हैज़ गिवन राइट टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इज कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है किस चीज़ के ऊपर किस सब्जेक्ट के ऊपर उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर कोर्ट की टर्म का क्वेश्चन है ठीक है ना यहाँ पर ये यह? तो उसको कहा जाता है उसको डिस्प्यूट ही कहेंगे आखिरकार जिस मसले पर आप बात करने जा रहे हो देन नेक्स्ट द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स किसी के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना फॉर्जरी बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्जरी सिक्सटी एट क्वेश्चन बोला है डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेज उसको क्या बोलते हैं उस लीगल अथॉरिटी को या उस पावर को कोर्ट की जो डिसाइड करता है फाइनल केस को आपको पता है अच्छे से उसको हम बोलते हैं जस्टिकेशन बोलते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे जो जाएगा, हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन बोला है मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ शपथ ग्रहण करते हुए अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है जी परजुरी ठीक है ना अब सेवेंथ क्वेश्चन को देखो आप प्लीज डैश योर लेटर डेटेड अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपके पांच क्वेश्चन थे जो ये कोर्ट के टर्म्स के थे ये खत्म हो गए आओ वापस से इंग्लिश सेक्शन पे वापस से मुड़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्लीज डैश योर लेटर डेटेड ट्वेल्थ दिसंबर प्लीज़ अपना लेटर जो आपने दिया है उसको देखो या उसको देखो क्या बोला सेंटेंस में सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है प्लीज़ रिलेट रिलेट तो नहीं होगा यहाँ पे देखने को बोला हुआ है तो रिपीट भी नहीं होगा रिपीट का दोहराना होता है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा रेफर प्लीज़ रेफर टू योर लेटर है ना तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमन डैश वर्क यर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु औरत जो यहाँ काम कर रही है वो कहाँ से है वो तमिलनाडु से है तो औरत के लिए है वुमन के लिए तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या वर्ड हम यहाँ यूज़ करेंगे हु देखो मैंने आपको क्लास में ना हु who और हुम का डिफरेंस भी करवाया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है देखना अच्छे से इसको विथ हम यूज करते हैं विथ थिंक्स के लिए यूज करते हैं दैट हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम है। हमारे ये क्या है ये तीनों हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में है ठीक है ना बेसिकली चारों ही हमारे प्रोनाउंस टॉपिक्स में से आते हैं लेकिन ये तीन टर्म्स जो हमारे किसकी है, who, which, that, हैं हु विथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक है ना तो प्रोनाउन का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है अना एंड माइकी डैश गोइंग फॉर स्काइंग अना और माइक दो लोग हैं जो जा रहे हैं स्काइंग के लिए जा रहे हैं ठीक है ना आपको ऑप्शन दे रखे मे कि वो जाएंगे मे इज़ फॉर पॉसिबिलिटी ये मॉडल वर्ब है ये तो यहाँ नहीं आएगा विल है फ्यूचर को बताने के लिए ये भी यहाँ पर नहीं आएगा है ना करते जाओ एलिमिनेट आर देखो दो लोग हैं एक अना है और माइकी या दोनों एंड से लिंक है तो यहाँ पर आर आना चाहिए इस तो नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर जो होगा आर होगा आपका डी ऑप्शन टॉपिक कौन सा है ये सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का टॉपिक है ठीक है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग सुबह से बर्फ पड़ रही है ना मॉर्निंग है सुबह से हो रहा है वो काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ सिंस आएगा देखो सिंस मैंने आपको कहा था ना हम इसको यूज़ करते हैं बिगनिंग के लिए या पॉइंट ऑफ स्टार्ट से किस चीज़ के शुरुआती से और फॉर हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए ये मैंने क्लास में करवा रखा है सेम टाइम मैंने कहा था कि इन दोनों को हम टेंस में भी यूज़ करते हैं और इनको हम प्रपोजिशन में भी यूज़ करते हैं रीजन को बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभार ठीक है ना तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसको यूज़ किया हुआ है फॉर पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए ठीक है ना तो यहाँ पे सिंस आएगा बाकी ऑप्शन गलत है तो आपका बी पार्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर है दिस इज इन कन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ये कन्फर्मिटी में है कि जो रूल्स लेड किए हुए गवर्नमेंट ने किए हुए तो कन्फर्मिटी के साथ हमेशा विद आता है फ्रेज की फॉर्म में ये ठीक है ना कन्फर्मेटी विद होगा कन्फर्मिटी फॉर नहीं होगा अगेंस्ट तो खिलाफ ही हो गया अबाउट भी नहीं होगा कन्फर्मेटी विद ये फ्रेज की फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं ठीक है ना तो कन्फर्मिटी विद होना चाहिए तो यहाँ पे बी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आई कुड जस्ट डाउन एंड गो टू स्लीप मैं डाउन मतलब कुछ करूंगा एंड देन मैं स्लीप सोने जाऊंगा ये लिखा ना अब यहाँ लिखा है ले मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ले लगा के आएंगे लेकिन ले नहीं है देखो फॉल मतलब गिरना ये तो ऐसे ही नहीं होगा ठीक है ना लाइट तो कोई वर्ड ही नहीं है अब यहाँ पे लाई क्यों है देखो वर्ड होता है लाई डाउन है ना यहाँ पे लाई आएगा ना लाई डाउन हो गया ये ठीक है अब जब हम ले को यूज़ करते हैं ना ले को इसको हम यूज़ करते हैं इन सेंस ऑफ प्लेस जगह के हिसाब से यूज करते हैं इसमें कहती हूँ आई ले द बुक ऑन द टेबल मैंने कहा क्या किताब रखी कहाँ पे रखी टेबल पे मैंने लाई नहीं रखा मैंने ले वर्ड यूज़ किया आई ले द बुक मैंने किताब को रखा है मतलब मैंने इसको ले को प्लेस के साथ यूज़ किया हुआ है वहीं जब मैं लाई कहती हूँ ना मैं कहती हूँ शी लाई ऑन द काउच वो कहाँ पे लेट गई सो गई वो लाई की मैंने यहाँ पे ले नहीं यूज़ किया ठीक है ना तो इसको हमने यूज़ किया अभी यहाँ पर लाई को लाई को हम यूज़ करते हैं रेस्ट के साथ ठीक है ना ध्यान रखना जब भी लाई होगा तो रेस्ट का सेंस आएगा ले होगा तो सेंस किसका आएगा हमारा प्लेस का आएगा और इसको हम कहीं ना कहीं होमोफोन्स में भी तो डाल सकते हैं ना साउंड सेम आ रही ले ले है ना लेकिन स्पेलिंग अलग है मीनिंग भी अलग है ठीक है ना आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको लाई फॉर रेस्ट एंड ले फॉर प्लेस जगह के लिए ठीक है तो यहाँ क्या होगा आई कुड जस्ट लाई डाउन एंड गो टू स्लीप मैक्सिमम बच्चे यहाँ ले लगा के आते हैं ठीक है ध्यान रखना है इसको तो यहाँ पे बी है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से ठीक है ना क्योंकि होमोफोन में भी आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स देखो टू डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस अपना टेम्पर खो देना कमजोरी कमजोरी की निशानी है ठीक है ना तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे आप लॉस तो नहीं लगाओगे पता है लॉस्ट गिव भी नहीं आएगा आप होंगे लूज और लूज में कंफ्यूज क्योंकि दोनों की साउंड सेम आ रही है देखो पहले तो इन वर्ड्स को बोलते क्या है एक है लूज एक है लूज ठीक है ना साउंड सेम मीनिंग अलग स्पेलिंग डिफरेंट है ना बस साउंड ही सेम है मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट इनको हम बोलते हैं क्या होमोनियम्स जैसे बैट बैट ये होमोनियम्स में भी आ सकते हैं ना हमारे लूज और लूज अब सही वाला कौन सा है यहाँ पे आपको वो देखना है तो यहाँ पे सही वाला क्या है टू तो लूज खोना आपा खोना टू तो लूज टेम्पर ठीक है ना तो यहाँ पे जो होगा आपका बी पार्ट हो जाएगा टू तो लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश द फर्स्ट वन ये प्रेजेंटेशन बेटर थी दूसरी वाली से देखो तो बेटर लिखा है बेटर हम हमेशा यूज करते हैं फॉर इस बेटर वर्ड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए हम कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा होगा तो है ना और कंपैरेटिव में हम देन यूज करते हैं टी एच ए एन क्या यूज़ करते हैं टी एच ए एन देन को यूज़ करते हैं ठीक है ना ध्यान रखना एग्जाम में वहीं दूसरा वर्ड दिया है टी एच ई एन इस देन को यूज करते हो टाइम को बताने के लिए ठीक है ना ये टाइम के लिए यूज होगा तो यहाँ पे बात चल रही है कंपेरिजन की तो यहाँ पे देन आएगा टी एच एन वाला तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका वो आपका ए पार्ट होगा ठीक है ना नाउ मूविंग टू वर्ड सेवेंटी एथ क्वेश्चन बोला हुआ है दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस किसके ऑफिस देखो एन आर्टिकल तो नहीं आएगा दे आर गोइंग टू देखो देअर और देयर ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड है आप देखो एग्जाम है वो कन्फ्यूजिंग वर्ड दे रखे हुए हैं और ये कहीं मेंशन नहीं किया सिलेबस में आपको लेकिन ऐसे तीन क्वेश्चन देखने को मिल गए आपको अभी यहाँ पर ठीक है ना अब देखो जो दियर होता न, दियर, जिसको है ना दियर इसको आप यूज़ करते हो प्लेस के लिए जगह के लिए मान लो या इसको आप डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ कर लेते हो इवन किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है उसके लिए भी इसको यूज़ करते हो आप लेकिन जो टी एच ई आई आर है ना इसको आप हमेशा पॉजेसिव केस पॉजेसिव प्रोनाउन मेरा अधिकार ओनरशिप जैसे आप कहते हो देयर कार इज़ रेड उनकी गाड़ी जो रेड है उन्हीं की गाड़ी है ना तो पोजिशन के लिए आपने यूज़ किया टी एच ई आई आर लेकिन देयर टी एच ई आर ई जैसे मैं कहती हूँ आपके सामने देयर इज़ आ पार्टी टू नाइट यहाँ पर एक पार्टी है तो आज पार्टी है यहाँ पर तो ये यह देर यहाँ पे प्लेस को दर्शा रहा है मेरी इसके अलावा आपने फ्रेश देखे होंगे देयर के साथ फ़ोर लगा दो दियर फोर बन जाता है देयर आफ्टर बन जाता है देयर एन होता है ठीक है ना तो आप इनको फ्रेश के साथ भी यूज़ करते हो देयर को ठीक है ना या पुट द कीज ऑन द टेबल अगेन डायरेक्शन दे रहे हो आपके उस टेबल पे रखो तो यहाँ पे बोला है आपको ऑफिस जा रहे हैं दे आर गोइंग टू अपने ऑफिस जा रहे हैं ना वो लोग किसी और के तो नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे देयर आएगा टी एच ई आई आर क्योंकि वो देयर बता रहा है उस इस टाइम पे अपने ही ऑफिस जा रहे हैं ना वो लोग तो यहाँ पे वो पोजिशन दे रहा है कि वो अपने ही ऑफिस जा रहे हैं ठीक है ना आई होप क्लियर हो गया होगा सी वाला इसका सेवनटी एट्थ का देन मूविंग टू वो सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा वो बिलीव करती है कर्मा की पावर में शी फाइन तो नहीं होगा शी होल्ड भी नहीं होगा अब देखो कन्फ्यूज होंगे बिलीव और बिलीव्स में शी लगा हुआ है परनाउन तो बिलीव ही आएगा ना बिलीव तो नहीं आएगा यहाँ पे तो जो एट सेवेंटी नाइन्थ का है वो डी होगा आपका एटिथ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक माई सिस्टर वॉन्टेड डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे देखो यहाँ कोई स्पेसिफिक कुत्ते की बात नहीं की कि उसने जर्मन कुत्ता मांगा है या उसने शेफर्ड मांगा है कोई कुत्ता स्पेसिफिक नहीं कि बुलडॉग डॉग मांगा यहाँ लिखा है शी वॉन्टेड माई सिस्टर वॉन्टेड कुत्ता है ना एज ए प्रेजेंट फॉर हर बर्थ डे तो यहाँ दा तो नहीं आएगा अगर हमें दा लगाते मतलब किसी पर्टिकुलर की बात करते पर्टिकुलर की बात नहीं की है ना यहाँ पे दा को हटा दो यहाँ पे तो माई सिस्टर वॉन्टेड अ डॉग मांगा है एज आ एज आ प्रेजेंट होगा ना एज एन तो नहीं होगा तो यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल से आया हुआ है और ये भी हमने आपको ऐप पे करवा रखा है आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा पूरा का पूरा इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था सिर्फ बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ो अगर आप पढ़ लोगे ना बेसिक्स ग्रामर के तो आपका पेपर ईजिली आप थर्टी मार्क्स को स्कोर कर लोगे किसी को कोई डाउट हो तो वो अपनी क्वेरी भी हमें मैंशन कर सकता है बाकी आप साथ साथ खुद से पेपर्स को भी सॉल्व किया करो होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे